या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, कल नव संवत्सर शुरू हो रहा है और नव संवत्सर चैत्र कृष्ण अमावस्या के रात्रि 10:52 से शुरू हो रहा है। 21 मार्च से, यानी जिस प्रकार से हमारा नया वर्ष जो ईशा नववर्ष शुरू होता है 1 जनवरी से, उसी समय उसी तरीके से विक्रमी संवत्सर हमारा जो है शुरू होता है चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। इस बार का कल से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं उस पे जो संवत्सर है वो नलिन नामक संवत्सर है और नल संवत्सर है 2080 शुरू हो रहा है। अब बहुत से लोग हमारे में से ये भी नहीं जानते कि संवत्सर हमारा कौन है। सन तो आप जानते हैं 2023, 2024, 2020, 2021, ईसा सर सन सन तो जानते हैं, ईसवी सन तो जानते हैं, लेकिन अपना संवत्सर नहीं जानते। संवत्सर भी जानना चाहिए, हमें हिजरी सन भी जानना चाहिए, सब जानना चाहिए जो हमारे अपने हैं। ये तो बहुत पुराना शुरू हमारा इस ये नल, ये जो संवत्सर हमारा शुरू हुआ है ये बहुत लाखों वर्ष पहले का शुरू है। मतलब ये कलयुग ही चल रहा है, सतयुग, त्रेता और उससे पहले द्वापर, इस सब युगों में भी ये संवत्सर चल रहे थे। तो इतना सबसे पुराना है, पूरे विश्व का सबसे पुराना संवत्सर का जो चल रहा है संवत्सर, विक्रमी संवत्सर। खैर, जब विक्रमी संवत्सर का जो शुरुआत हुई विक्रम के द्वारा, तो इस समय हमारा नल संवत्सर है 2080 है। इस संवत्सर में राजा बुध हैं और मंत्री शुक्र हैं। इस नवरात्र पर देवी दुर्गा का आगमन नाव पर हो रहा है और प्रस्थान हाथी पर हो रहा है, जो सर्वथा शुभ माना गया है और इससे वर्ष भर देश के लिए शुभ और फलदायक स्थितियाँ बनी रहेंगी। अब मित्रों, थोड़ा समय आज आपको नवरात्र के ऊपर थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा को, उसके बाद 3 लक्ष्मी और अंतिम 3 दिन सरस्वती को समर्पित होते हैं। पहले 3 दिन देवी दुर्गा को, फिर 3 दिन लक्ष्मी को और 3 दिन सरस्वती को समर्पित होते हैं। अब दुर्गा, दुर्गा का मतलब क्या है? आप देखिए, मैं इससे बड़ा विवेचना ये समेकित कर रहा हूँ और लाक्षणिक विवेचना है, और लेकिन यही सच है। अब अपनी, लेकिन अपनी श्रद्धा और अपनी उसके ऊपर आस्थाओं को इसमें आहत न होने दें। आस्थाएं आपकी अपनी जगह पे हैं, वो भी सच है। मंदिर में देवी जी हैं, सब कुछ है, लेकिन केवल मंदिर में देवी जी हैं ऐसा नहीं है। वो सर्व में पूरी प्रकृति में व्याप्त है। साहस और शक्ति की देवी दुर्गा को शक्ति के रूप में जाना जाता है, शक्ति के रूप में जाता है, और जो सभी बुराइयों को अंत करती है। और दुर्गा का अर्थ पहाड़ी भी होता है, पहाड़। एक बहुत ही कठिन कार्य को अक्सर पहाड़ों पर चढ़ करके, ये तो कार्य हमारे लिए पहाड़ की तरीके से, तो इसलिए पहाड़ के तरीके से जो दुर्गम कार्य हैं उन कार्यों को भी साधित करके उनका पूरा कर लेना, यही दुर्गा का स्वरूप है। यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचरण करना, ये दुर्गा जी का आस्था है, यही दुर्गा है, यही शक्ति है। और नकारात्मक जितनी निगेटिविटी है उसका क्षरण होना, उसको त्यागना, यही दुर्गा सप्तशती के पर्व, यानी दुर्गा जो नवरात्रि हैं, एक ग्रीष्म नवरात्रि होती है, एक शारदीय नवरात्रि होती है, दोनों रात्रियों में 2 बार अवसर मिलता है कि हम करें। इस बार तो हमारा कई धर्मों का समन्वय हो रहा है, कल हमारे रोज़ा भी शुरू हो रहे हैं, मतलब ये भी कितना मुकद्दस पर्व है। हमारे रमज़ान का पर्व भी कल शुरू हो रहा है, कल नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं और कल ईसाइयों का भी एक पर्व शुरू हो रहा है। तो ये 3 पर्वों का बड़ा बढ़िया व्यापक है
और बताया गया कि बुधवार को नवरात्रि का जब आगमन होता है तो देश बड़ा समृद्धि और जो गरीबी दूर होती है, लोगों के अंदर जो है सकारात्मक भाव की जननी होती है। खैर, ये सकारात्मक ऊर्जा या दुर्गा शक्ति होती है। देवी को शेर की सवारी करते हुए दिखाया गया है, ये जो साहस या वीरता के पहलू का सूचक है। यानी हम शेर के उपयोग पर भी हमारे अंदर साहस होना चाहिए, हम बहुत डरपोक न रहें, हम साहसी रहें, जो दुर्गा की शक्ति का सार है। देवी के कई हाथों में जो चित्रित किया गया है, कई हाथ चित्रित किए गए हैं, वो भी प्रतीक है। एक हाथ में फंदा, एक में अंकुश, एक में तलवार, एक में शास्त्र है। वो बहुमुखी प्रतिभा, कौशल और सभी बाधाओं को पार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मी जो है धन और समृद्धि की देवी है। धन हमारे जीवन में रख रखाव और प्रगति का सूचक है। ये एक घटक है, जब तक धन नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ये सिर्फ पैसा होने से कहीं अधिक है, इसका मतलब ज्ञान, कौशल और प्रतिभा आदि में बहुतायत हो सकती है। लक्ष्मी का तात्पर्य किसी व्यक्ति को पूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण से। देवी को जल में कमल पर विराजमान दिखाया गया। जल का स्वभाव बहना है, प्रवाहित रहना, चलायमान रहना। इसी तरह धन का मूल्य तब मिलता है जब वो किसी उद्देश्य की पूर्ति करके एक जगह पर रुक नहीं जाता है, उसका प्रवाह बड़ा रहता है, तो तभी हम धन को सार्थकता कह सकते हैं। धन की सार्थकता तभी जो प्रवाह हो, एक जगह रुक जाएगा तो वो नुकसान देगा। अभी देखिए, जब नोटबंदी हुई थी, जो जिनका रुका हुआ धन था वो सब कहाँ चला गया, कोई तालाब में फेंक रहा, कोई कोई ब्लैक मनी जमती थी। तो धन को रोकिए नहीं, धन को प्रवाहित रखिए, चलाइए, उससे कुछ पैदा करिए, उससे काम करिए। तो जब वो किसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा, उसे स्थिर नहीं रखा गया है। बहते हुए जल में भी कमल स्थिर है, ये गतिशीलता में स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। हम गतिशील रहें लेकिन अपने उद्देश्य के ऊपर कमल के तरीके से स्थिर भी रहें, और वो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ, कीचड़ हो, सब कुछ हो, कमल के तरीके से हम खिले रहें। तो जो प्रगति में पंडित होता। सरस्वती क्या है? सरस्वती ज्ञान की देवी है, वो स्वयं का सार देती हैं। उन्हें अक्सर चट्टान पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है। ज्ञान चट्टान की तरह एक दृढ़ सहारा है। ज्ञान क्या है? चट्टान की तरीके से एक दृढ़ता है, दृढ़ सहारा है। अगर हंस और दूध पानी का मिश्रण दिया जाए तो ज्ञान उसे भी अलग करने की क्षमता रखता है। वो सिर्फ दूध ही पीता है, हंस क्या करता है? दूध ही पीता है। तो ज्ञान जो हंस है, वो हम जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करते हैं, नकारात्मक और विध्वंसकारी बातों को और हिंसक बातों को हम त्यागने का प्रयास करते हैं। वो विवेक की शक्ति का प्रतीक है। क्षीर जो है हमारा विवेक है, तो इस जिसका उपयोग करके हम जीवन में सकारात्मक होना चाहिए और नकारात्मक को छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मित्रों हमने जो बातें बताई वो इसीलिए बताई कि हमें दुर्गा सप्तशती या रमज़ान या जो भी कोई त्यौहार हो, उनको बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और उल्लास और उत्साह के साथ जब हम मनाते हैं तो आपस में पारस्परिक सौहार्द बढ़ता है, पारस्परिक प्रेम बढ़ता है, पवित्र बढ़ता है, सात्विक भाव आते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात हमारे दिमाग में भूल से भी नहीं आती है, और हम हमेशा अपने कर्मठ होकर के आगे बढ़ने का हमें मार्ग प्रशस्त होता है। यही माँ दुर्गा हमको सिखाती हैं। इसीलिए कहते हैं, या देवी शक्ति रूपेण, या देवी धर्म रूपेण, या देवी क्षुधा रूपेण, या देवी सत्य रूपेण, सब कुछ है। तो संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो, या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। तो मित्रों, नवदुर्गा, रमज़ान और सभी त्योहारों की आपको बहुत बहुत बधाई, और आप अपने निकटवर्ती जो दिव्यांग हैं उनका भी ध्यान रखिएगा और उनको भी अपने साथ जोड़ करके चलने का प्रयास करिएगा। यही हमारी अपील है। नमस्कार।